मैं भारत सरकार दीयां भावनावां दा सत्कार करदा कि यह जिहड़ा जस्टिस कमेटी दा जिहड़ा फैसला है इहनूं मुलतवी कीता जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मीडिया दे राहीं मैनूं पता लग्या कि भारत सरकार वल्लों मेरे लिए जैड सिक्योरिटी के प्रबंध जड़े ने किए गए हैं। सरकार को इनपुट है की इनपुट नहीं मैनूं इसका पता नहीं। जे भारत सरकार ने श्री अकाल तख्त साहब के सत्कार वजों प्रोटोकॉल दिता तो मैं दे लई भारत सरकार का धन्यवाद करदा। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वजों मेरा जिहड़ा कार्ज खेतर है वो प्रचार का है। सिख सिद्धांतां, सिख मर्यादा, सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देशों विदेशों के विच विचरना पैंदा और प्रचार के खेतर के विच विचरदे आ बहुत सारिया संगतां दे नाल नेड़ियों गलबात करनी, संगतां दा नेड़ियों आके मिलना, छोटे छोटे बच्चों का मिलना, बजुर्गों का मिलना, मातावां भैणां का मिलना, यह अक्सर ही हुंदा रहिंदा है। और प्रचार करदे आ भारत के अंदर या भारत तो बाहर, पंजाब के अंदर, पंजाब तो बाहर दूसरे सूबों के विच कई बारी गुरसिखां दे घरे भी रिहायश के इंतजाम जड़े ने वह होंदे ने। अजिहियां परिस्थितियां दे विच जैड सिक्योरिटी दे नाल चलना मेरे लिए जिहड़ा अनुकूल नहीं है। मेरे लिए काफ़ी सारिया दिक्कतां जड़ियां ने वह खड़ियां होणगियां। मैं भारत सरकार दीयां भावनावां दा सत्कार करदा, उन्होंने मेरा फिक्र कीता, पर मैं उन्होंने यह कहना चाहांगा कि ये जैड सिक्योरिटी जिहड़ी आप जी ने प्रोवाइड कराई है इहदे सहत मेरे वल्लों किए जा रहे प्रचार प्रसार के खेत्र के कुछ दिक्कतां जिहड़ियां आउणियां सुभाविक है। इसलिए मैं भारत सरकार नूं कहना चाहुंदा कि ये जिहड़ा जैड सिक्योरिटी का जिहड़ा फैसला है इहनूं मुलतवी किया जाए। मैं ताकि सिख संगतां दे विच खुल्लेआम विचर के सिख संगतां दे नाल गलबात कर सकां, सिख संगतां दे नाल मेरा प्यार है, संगत मैनूं प्यार करदी है, मैं संगत नूं प्यार करदा है, तो कोई मुश्किल जिहड़ी है वह मेरे वास्ते खड़ी ना होवे। इसलिए मैं फिर भारत सरकार का धन्यवाद करदा होया। ये जरूर कहना कि ये जैड सिक्योरिटी का जिहड़ा प्रोवाइड करन दा जिहड़ा भारत सरकार ने फैसला किया उहनूं जिहड़ा है वह वापस लिया जाए। मेरे वास्ते जैड सिक्योरिटी जिहड़ी है रखनी वह मुनासिब नहीं है। मैं भारत सरकार दी भावनावां दा फिर तो धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।